मजबूरी नहीं दही पूरी हमारी हाजरी। कहाँ का आदमी कौन है? आगरे का। तो इतने 30,000 रुपए तुम्हारे कम थे ना? हाँ, पूरे मिल गए। जो मजदूरों की मजदूरी खाएगा कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, भले ही दौलत का पहाड़ खड़ा कर ले, लेकिन एक दिन बद्दुआओं के बोझ में दब जाएगा। तकनीक नहीं भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं तीरंदाज। जो मजदूरों की मजदूरी खाएगा कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, भले ही वो दौलत के पहाड़ खड़ा कर ले, लेकिन एक दिन बद्दुआओं के बोझ तले दब जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं ग्वालियर के SDOP संतोष पटेल। संतोष पटेल लोगों की मदद करने के अपने अंदाज के कारण देश भर में चर्चित हैं। उनका इन दिनों एक और वीडियो काफी सुर्खियों में है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब आगरा से मजदूरी करके वापस जो मजदूर लौट रहे थे, उनकी मुलाकात जब SDOP संतोष पटेल से होती है और वो उन्हें अपनी समस्या बताते हैं कि मालिक ने 60,000 मजदूरी की जगह केवल 30,000 मजदूरी उन्हें दी है, तो संतोष पटेल बिना कोई FIR दर्ज करे सीधे एक फोन से ही उनकी समस्या का निराकरण कर देते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें संतोष पटेल ने एक फोन से ही उन सभी मजदूरों की समस्याओं का समाधान निकाल दिया। क्यों खड़े हो तुम लोग यहाँ पर? नहीं, शिकायत करने आए थे। काहे की शिकायत? मजदूरी नहीं दी पूरी हमारी हाजरी। कहाँ का आदमी कौन है? आगरे का। आए आलू बीन का है हम आगरा से। हमारा 30,000 का हिसाब कर रहा, 30 का नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? बाबा को बेईमानी आ गई कि जान का चक्कर है। क्यों लगाया था मन्ने, तो उसने उन्होंने बोला था करो सो कर लेना था, हम ये कर भैया नहीं देंगे। तब मैंने बोला था मेरे बच्चा का एक रुपया नहीं छोड़ूंगी, चाहे कैसे हो जाए, मैं एक रुपया झेल नहीं होगी। हमारी घाटी का काम शानदार है, हमारी घाटी काम शानदार है, तो यहाँ नहीं होगी तो ग्वालियर शानदार है हमारा, ग्वालियर जाएंगे। मेरे बच्चों की मजदूरी कोई नहीं छोड़ूंगी मैं, चाहे खाओ कुछ हो जाए। कितने लिए पैसे हाथ में? 60,000 रुपए मिल गया। 60,000? 61 कितने? 61 तो मिल गए। तो इतने 30,000 रुपए तुम्हारे कम थे ना? आप पूरे मिल गए? मिल रहे थे, रोसी बोलते साहब हम पेड़ के नीचे बैठे थे, पर साहब इससे आए, इधर से आए, साहब ने बोला कि खाई झिकाई को बैठे हैं, साहब ने थोड़ी सी मदद करना है। इतनी सुन के साहब ने हमको भीतर बैठा लाया और फिर साहब ने 3 घंटे में पैसे पूरे दिलवा दे आगरे से। नहीं, हमारे पैसे कभी नहीं आते, नहीं मैंने पूरे पैसा दिलवा दे हमको। नहीं, हमारे बच्चे रोते आए थे मजदूरी को, हंसते गए थे हम, रोते हुए आए थे हम, अब हंसते हंस के लिए जा रहे हैं हम। क्योंकि हमारा जितेंद्र है, उसने इतना सा मुंह करके लाया था, हमारे बच्चा जितेंद्र अब हंसने हंस रहा है क्या पैसा दिलवा दिए साहब ने। जिंदगी भर इसकी दुआएं कच्ची नहीं है और ऐसा ऐसी सरकार हम गरीब लोगों को और जगह हर खा मिले। जो मजदूरों की मजदूरी खाएगा कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, भले ही दौलत का पहाड़ खड़ा कर ले, लेकिन एक दिन बद्दुआओं के बोझ में दब जाएगा। मैं वहाँ पर अपने ऑफिस में था, तो ये लोग आगरा से उतर कर आए, गांव में एक छोटा सा स्टेशन है ट्रेन का। अच्छा। तो घाटी गांव से आए थे, बोरी सर पर रखे और वहीं स्टेशन के रोड पर ही मेरा ऑफिस है। महिलाएं थी, परेशान थी, इनने मैंने पूछा क्यों खड़े हो यहाँ, तो उन्होंने बताया पूरी समस्या की आगरा ये मजदूरी करने गए थे, वहाँ पर इनकी मजदूरी के 60,000 हो रहे थे, 30,000 दे रहा था मालिक और नहीं दिए उसने बाकी रुपए, तो हम लोग भगाए हैं। अच्छा। तो बोला हमारे पैसे दिलाओ, तो फिर इन लोगों ने 2-3 घंटे बैठे रहे, मैंने बात की उधर, पहले तो आनाकानी कर रहे थे, बोले हम इतने ही होते हैं, 400 रुपए का बोलकर 450 का बोलकर ले गए थे। फिर उसके बाद जो मध्यस्थ था उसको बुलवाया मैंने और बात की, तो उसने 60,000 रुपए मध्यस्थ था जो उसके खाते पर भेजे। अच्छा। और 3 घंटे में ही उनको जो उनका
सही वो था, सारे समय को मिल गया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309161। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।